अगर आपको चाहिए सपनों का आशियाना तो उसे पूरा करेंगे लखनऊ के सबसे बड़े बिल्डर रविंद्र अस्थाना, जिन्होंने लखनऊ शहर को कई बड़ी बड़ी लैविश लग्जरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स दी हैं। अपना नया ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर एक बार फिर रियल एस्टेट को एक नया लग्जरी तोहफा देने हाजिर है दोस्तों, गोल्डन टावर्स। जय माता दी दोस्तों, हाजिर हूँ जी आपकी सेवा में एक बार फिर से अपने इस नए ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर गोल्डन टावर। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि पब्लिक से समझदार और कोई नहीं है, ये लिख के ले लीजिए। पब्लिक है जो सब जानती है, तो मैं क्या जानता कुछ नहीं। हाँ लेकिन एक बात जानता हूँ, एक चीज है जिससे बड़ी हमारे जिंदगी में और कुछ नहीं, और वो है हमारा परिवार दोस्त। हमारी दादी की आरती, हमारी माँ की डांट, पिताजी की फटकार, भाई की दोस्ती, बहन का प्यार, और यही एहसास है दोस्तों जो किसी ईंट और पत्थर के मकान को घर बनाती है। तो सोचिए मत, आज ही बुकिंग कराइए। अस्थाना एवरग्रीन बिल्डर्स हमेशा आपके साथ है। जय माता दी। भग लानत ऐसे बिल्डर पर जो खुद इतना बड़ा बिल्डर है और बहन को रहने के लिए छत नहीं दिया है। कमीना टाइप का लग रहा है हमको ये, इसको तो हम ऐसे उधेड़ेंगे ना, ऐसा उधेड़ेंगे कि जित। अरे काउंटिंग नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको गुस्सा कैसे नहीं आ रहा है ये सब देख। आ रहा है, आप दोनों को गुस्सा आ रहा है तो मैं जाऊं। मैडम आराम से अपना गुस्सा कर लीजिए, पूरा टाइम लीजिए। मैं समझ गई, देखिए आपको गुस्सा होने से केस सॉल्व हो जाएगा नहीं ना। देखिए आपको डिपार्टमेंट ने यहाँ भेजा है पुष्पा जी की जगह। जब तक पुष्पा जी क्वारंटाइन से वापस नहीं आ जाती हैं, आपको उनका पोस्ट संभालने भेजा है, लेकिन आप तो बाद भी पुष्पा जी जैसा करने लगी हैं। क्योंकि हमें अपना गुस्सा पालना आता है। आज अगर हसीना मैडम भी होती ना तो वो भी कभी नहीं चाहती कि आप अपना आपा खोकर कोई भी काम करें। नहीं, अगर आज हसीना मैडम होती तो उनका खून भी खोल रहा होता, इनका तकलीफ देखकर और इसके भाई का कमीनापन देखकर। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप कैसे शांत खड़ी हैं। अपने गुस्से का सही वक्त पे सही इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी जानते हैं, और आपको भी वही सिखाने की कोशिश किए थे, और हसीना मैडम तो आज तक आपको वही सिखाने की कोशिश कर रही है। अपने गुस्से को अपना हथियार बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं मैडम। से बहुत कुछ सीखा है हमने, आपके अंदर हमने ट्रेनिंग लिया है। ये कहना बहुत गलत होगा कि आज जो हम SHO की पोस्ट पे खड़े हैं ये आपके बिना नामुमकिन था। बहुत मानते हैं हम आपको, आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि अस्थाना जैसे लोग सिर्फ बातों से रस्ते पे नहीं आते, इनको घुटनों पे लाना पड़ता है। पर मैडम अस्थाना सड़क पे चलता हुआ गुंडा नहीं है जिसे आप दो कंटाप लगाकर उठाकर अंदर डाल देंगी, बहुत बड़ा आदमी है ये। ऐसा गुस्सा किस काम का जो अपना ही नाश करे, जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो सारा थाना लाइन हाजिर हो जाएगा। ये लो। पापा पानी पीजिए। बोले थे हम कि अच्छा जगह से खाना मंगाइए, लेकिन नहीं, हमारा कोई सुनता कहाँ है। कोई नहीं सुनता ना, तो बोलते क्यों, चुप रहो। तांबा का बाल उखाड़ के हाथ में दे देंगे, चुप रहो करो। नहीं नहीं, हमारे सामने सॉरी मैम। क्या था ये? लाउड स्पीकर के ऊपर का चीज था, चुप रहो तुम। बिरयानी बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ अच्छा खा रही हूँ ना। हाँ तो और लो लो। नहीं नहीं नहीं, खाओ खाओ खाओ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है? अभी कल तक मेरे पास ना घर था ना परिवार, पर इतने थोड़े से टाइम में आप लोग मुझे मेरा परिवार और ये जगह घर जैसे महसूस होने लगी है। हेलो। हे, ऐसे हेलो मत बोलो यार, डर जाएंगी। तुम चुप बैठो। हेलो मतलब परिवार तक तो ठीक है,
लेकिन ये घर वर का लफड़ा मत पालना, और अगर पालना है तो इधर उधर किधर पालना है उधर पालो, लेकिन मेरे बिल्लू निवास की तरफ आंख उठा कर मत देखना, क्योंकि यहाँ रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ सिर्फ मैं रहूंगा, बिल्लू द स्पाई। ए, क्या कर रहे हो यार तुम? चुप, फिर बाहर आ गए, जाओ अंदर लॉकअप में। पुष्पा जी, देखो आपने पुष्पा जी की जगह ली है तो आप हमारे लिए पुष्पा जी हो गई ना। नहीं बिल्लू जी, पुष्पा जी ना बहुत अच्छी थी। थी? सॉरी मैडम। देखिए आप परेशान मत होइए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। अरे क्या इंतजाम कर लूंगी, कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, हमने फैसला कर लिया है, तुम हमारे साथ रहोगी हमारे घर पर। बबीता जी आप क्यों तकलीफ ले रही है, मैं हूँ ना, तुम रहोगी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गौरी जी मेरे साथ मेरे क्वार्टर में रहेंगी। हाँ और कंपनी चाहिए होगा तो हम तो है ही। सी कंपनी? नहीं जरूरत नहीं है जीते, उनकी कंपनी के लिए मैं काफी हूँ। संतोष जी हम उनके कंपनी का बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों के कंपनी का बात कर रहे हैं। तो फिर हो गया ना फैसला, गौरी जी मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगी। तुम मैडम, एक वार्डन के होते हुए तुम तय करोगी कौन कहाँ रहेगा? ट्रेनिंग के वक्त भी हमने तय किया था कि तुम्हारी करिश्मा मैडम कहाँ रहेगी, और तुम है ना ज्यादा सवाल करो ही मत, तुम्हारे सवालों से हमारा माथा घूम जाता है। सॉरी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। पुष्पा जी अच्छी थी। पुष्पा जी अच्छी है। अरे यार डरा देते यार तुम। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? बस सोच रही थी कि आप लोग मेरे कुछ नहीं लगते, फिर भी कितनी फिक्र है आपको मेरी, और वो मेरे भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस हाल में हूँ, शायद उनके लिए मैं तभी मर गई थी जब एक जमीन के टुकड़े के लिए उन्होंने मुझे कागज पे मार दिया था। देखो देखो रो मत। अमा कहाँ है आपके अस्थाना साहब? आते ही होंगे, मीटिंग तो कब की खत्म हो गई है। आप मैडम कुछ लेंगी, चाय? नहीं। कॉफी? नहीं। शरबत? का शरबत? ये शरबत का होता है बे? शरबत वो मैडम होता है ना ठंडा ठंडा मीठा मीठा जो घोल के पीते हैं। शरबत? हाँ। अमा तो सीधा सीधा बोलो ना शरबत, ये चरबत चरबत का लगा रखा है। वो क्या है ना मैडम जी, हमें बचपन से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम जब भी चा को चा बोलने जाते हैं तो चा निकल जाता है, और हम जब भी चा बोलते हैं तो चा हो जाता है। हाँ तो चा को चा बोलेंगे तो चा चा ही होगा, चा भ तो नहीं होगा। आप चमजी नहीं? नहीं हम हम समझ गए, तुम्हारा च और स का दिक्कत चल रहा है। चई चमजी। नाम कहाँ है तुम्हारा? माई चेल चुरेज चकचेना। सुरेश सक्सेना जी। अम्मा जब बचपन से इतना च का दिक्कत लेके चल रहे हो तो नाम भी तुम, खैर छोड़ो, तुम उनका पर्सनल असिस्टेंट हो, पीए हो जी। लीजिए आगे अचताना चाप। आइए मैडम, आइए बैठिए। अरे भाई इनको चाय वाय पूछा कि नहीं? चाय, चाय कॉफी और अपना स्पेशल वाला शरबत भी पूछा। शरबत भी पूछा। तो आप हमारे प्रोजेक्ट गोल्डन टावर में फ्लैट लेने में इंटरेस्टेड हैं? जी। मुझे नहीं पता था कि अंडर टेबल इतनी कमाई हो रही है कि पुलिस वाले भी टावर में फ्लैट ले रहे हैं।
क्यों सुरेश जी? चाहिए चल, बिल्कुल चाहिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। गलती आपका नहीं है, नजरिए का गलती है। जैसा नजरिया वैसा संसार। अब आपका नजरिया ही मक्कारों वाला है तो आपको सामने वाला भी मक्कार नजर आता है। इंसल्ट कर रही है? आपको क्या लगता है? इंसल्ट? बस वही कर रहे हैं। बड़ा मजाकिया नेचर है आपका। भाई मेरे को ऐसे ऐसे मजाकिया लोग बहुत पसंद है। चाहिए चेहर, बिल्कुल चाहिए मैडम, जोकिंग है। नहीं नहीं, देखिए क्या है, आप किस तरह पैसे कमाती हैं, क्या करके कमाती हैं, क्यों कमाती हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अभी आप मेरे ट्रावर में फ्लैट देखने आई हैं तो मेरा काम है आपको फ्लैट दिखाना, है कि नहीं? तो चलिए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, आइए। आइए मैडम। तो बताइए कौन से विंग में लेंगे आप फ्लैट? ये हम यहाँ जमीन लेने आए हैं और आप फ्लैट का बात कर रहे हैं। वाह वाह, बड़ी मजाकिया है। नहीं नहीं, हमने बिल्कुल मजाक नहीं किया, हम बहुत सीरियस हैं। ये जिसका जमीन है और जिसका इस पे हक है उसको हम वो उसका हक दिलाने आए हैं वापस। इसमें आपको कौन सा मजाक का बात लग गया? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप यहाँ पर फ्लैट लेने नहीं आई हैं, कोई और बात है ना? बिल्कुल करेक्ट लग रहा है आपको। हम यहाँ पे आपका बहन गौरी, उसको उसका जमीन और उसका हक वापस दिलाने आए हैं जिस पे आप कब्जा करके बैठे हुए हैं। आपकी बहन वहां महिला पुलिस थाने में बैठी है आपके खिलाफ कंप्लेंट लेकर। पूरा जालसाजी सुने हैं हम जो आपने किए अपनी बहन के साथ। हम भी वादा कर कर आए कि उसको उसका इंसाफ दिलाकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये तो पूरा शहर जानता है कि SHO करिश्मा सिंह अपने वादे का कितना पक्की है। तो आप भी आ गई उसके झांसे में। करिश्मा जी, वो एक बहुत बड़ी फ्रॉड है, मेरी छोटी बहन जैसी दिखती है नहीं। बहुत ही होशियार और चतुर औरत है वो, पता नहीं हर जगह कैसे पहुंच जाती है, मेरी बहन का नाम लेती है। और आपकी इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है, आपकी जगह कोई भी होता तो मान लेता कि वो मेरी छोटी बहन है। वो मेरी जमीन हड़पना चाहती है, मैं उसकी नहीं। जमीन तो मेरी बहन के नाम है और मेरी बहन 7 साल पहले मर चुकी है। उसकी अस्थियां पानी में बहाई है मैंने अपने हाथों से। मेरी बहन मुझे बहुत याद आती है, आपको पता नहीं मैं उसको कितना मिस करता हूं। उसकी हर छोटी छोटी बात, बचपन से लेके आज तक उसकी हर बात मुझे याद आती है। उसका बचपन है, उसका लड़कपन, उसका हंसना, सब याद आता है मुझे। ये आपकी बहन है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं? जी हाँ, ये मेरी बहन है गौरी। आज कुछ खास तैयारी, कोई खास जश्न नहीं हो रहा है आज के दिन में? इतना सन्नाटा है क्यों? ऐसा क्या खास होना चाहिए था? भूल गए आप? आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर तो हर साल आता है ना रे? देखता हूँ सर। आज आपकी प्यारी बहन का जन्मदिन है। यहाँ तो आपने साफ साफ लिखवाया हुआ है उनका जन्म तिथि और पुण्य तिथि। भूल गए आप? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जिस बहन को आप पल पल याद करते हैं आप उसका जन्मदिन भूल गए। नहीं, कहानी तो आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन तैयारी जो है ना वो अच्छे से नहीं कर पाया। अब हमारे सामने आओ और हमारे आमने सामने बात करो अपना असली चेहरा दिखाकर। देखो भाई, तुम्हारे कुछ भी जानने न जानने से कुछ नहीं होगा क्योंकि सबूत मेरे पास है इसका। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट को सबूत चाहिए। मैं दुनिया के किसी भी कोर्ट में सिद्ध कर सकता हूं कि ये जमीन मेरी है। मेरी बहन को मरे हुए 7 साल हुए हैं और मरे हुए आदमी का वजूद नहीं होता। अरे भाई, जब गौरी का वजूद ही नहीं रहेगा तो कौन मानेगा असली गौरी का सच?
कोई कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकता, लिख के ले लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ दिया, क्या कर लोगे? करिश्मा सिंह, हमारी लड़ाई भी आपसे नहीं है, लेकिन इस अंधे जोश और आपके अंदर के इस गुस्से से, जो किसी भी काबिल अफसर में नहीं होना चाहिए। अब सुनो तुम हमारा बात, दोहराने का हमको आदत नहीं है, इसलिए एक बार में सुन लियो। तुम्हारे बहन के साथ ना हम कदम से कदम मिलाकर खड़े और उसको इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये बात तुम लिख के ले लियो। वाह, चैलेंज तो दे आई आप अस्ताना को। अब उसके खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं आपके पास, फिर दिमाग में कुछ है? कोई प्लान, कोई स्कीम, कोई तरकीब? नहीं, अभी कुछ नहीं है, पर चला रहे हैं अपना दिमाग, थोड़ी देर में हमको रास्ता भी मिल जाएगा। सब पता है हमको क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? पहले तो जो आपकी वो स्कीम है ना, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेंगी आप, और जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा अस्ताना पर हाथ डालने का, तो भौकाल मचा देगी। हम सब जानते हैं कि अस्ताना साधन संपन्न आदमी है, आपकी इस गैर जिम्मेदाराना हरकत का वो खूब फायदा उठाएगा, उल्टा थाने में ही कचहरी खड़ी कर देगा वो। बिना हाथ पैर चलाए आपसे तो कोई काम होता ही नहीं है ना। सत्य वचन, 100% करेक्ट। चुप। देखिए बबीता जी, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत संयम आ गया है हमारे अंदर, और हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व कर दिए बिना हाथ उठाए, बिना मारपीट किए। ये बिल्लू चंपत, ये यहाँ का स्थायी निवासी है, ये आपको बताएगा कि हमने कितने सारे केसेस, बिल्लू कितने सारे ऐसे केसेस हमने बिना मारपीट और बिना हाथ लगाए सॉल्व किए, बताओ अभी। का पुष्पा जी का आत्मा आ गया तुम्हारे अंदर। पुष्पा जी, पुष्पा जी की याद आई। पुष्पा जी, आई मिस यू। नहीं मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस याद आ रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने जो केसेस हैं उनमें इन्होंने हाथ पैर कम और दिमाग ज्यादा चलाया, ऐसा एक भी केस नहीं है। मतलब बिल्लू, ऐसा घुसन लगाएंगे ना कि यही फड़फड़ाओगे उल्टे कॉकरोच के जैसे। चलो अंदर अंदर जाओ। चीते, तुम बताओ, बताओ कि कितने ऐसे केसेस हमने तुम्हारे सामने, हमने बिना हाथ पैर चलाए मारपीट किए सॉल्व कर दिए, बताओ। मैडम, हमारे आज तक के पुलिस करियर में हम जब तक देखे हैं आपको ना, तब तक आप सारा केस ना हिंसा के साथ बिल्कुल शांति पूर्वक सॉल्व किए हैं। वो देखो, एक मिनट मैडम, ऐसे हम अपना दिमाग पर बहुत जोर डाल के सोच रहे हैं ना, तो भी हमको एक भी ऐसा केस नहीं याद आ रहा है जो करिश्मा मैडम बिना एक्शन के सॉल्व किए हैं। हाय हसीना मैडम, वो ना बड़ा एकदम सारा केस जो ना एकदम सूझबूझ और समझदारी के साथ सॉल्व करती आ रही हैं हसीना मैडम। अभी ये केक को ही देख लीजिए ना, हसीना मैडम से इसे फोन पर हम बतिया रहे थे ना, तो ये आइडिया हमको हसीना मैडम दी कि गौरी जी का जो बर्थडे है, जन्मदिवस है, उसको हम थाना में मनाएं। अच्छा। क्या है कि बेचारी अकेली है ना, तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर उनका जन्मदिन मनाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। एक काबिल इंसान ही दूसरे काबिल इंसान की काबिलियत समझता है, जैसे हसीना मैडम आपकी काबिलियत समझती है, लेकिन आप हसीना मैडम को काबिल नहीं समझती इस केस को सॉल्व करने के लिए। एक बार फोन कर लीजिए, पूछ लीजिए आगे इस केस में क्या करना है। नहीं, हम फोन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें उनका जरूरत नहीं लग रहा है। जब हमें लगेगा उनका हेल्प, तो हम उनसे फोन करके उनका हेल्प मांग लेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं। वाओ, क्या बहस चल रही है। करिश्मा मैडम जीतेगी पक्का। बबीता जी जीतेगी पक्का। करिश्मा मैडम। बबीता जी, लगा 500 का लगा, ऐसे ही लगा। कब तक इतनी जिद्दी, इतनी हठी और इतनी अड़ियल रहेंगी आप? देखिए बबीता जी, शायद आप भूल रही हैं कि आप सब याद है। हम जब अकेडमी में सीनियर आपकी रैगिंग करते थे, तब रोते हुए आती थी आप हमारे पास, मैडम हेल्प, मैडम हेल्प। वो मेरी छुट्टियां काट रहा है, उसने मुझे मारा, उसने मुझे छेड़ा। बबीता जी, आप ये का बात लेके बैठ गई हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। देखो बबीता जी, ट्रेनर हैं,
करिश्मा मैडम ट्रेंड है। अब आपका इजाजत हो तो हम कुछ ऑर्डर कर ले, हमको बहुत भूख लगा है। क्या है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है और जब तक हम खाते नहीं है हमारा दिमाग एकदम चलता नहीं है और फटता भी है, इसीलिए उस अस्थाना का नट पाना कसने का कोई आइडिया नहीं सूझ पाया हमें अभी तक। देखो ये टोपा वगैरह है ना, ये बबीता जी से चुराया हुआ है। कर ले ऑर्डर, हम भूखा तो हम सबको 9 दिन रहना है। तो क्या 9 दिन केस सॉल्व नहीं करेंगी आप? बबीता जी अगर आप व्रत का बात कर रही हैं तो हम शुरू से ही व्रत नहीं रखते हैं। हाँ भैया, अब व्रत रखने के लिए तो विल पावर, आत्मसंयम की जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से लाएंगे ना आप? नहीं, विल पावर का बात नहीं है, हम भूख के कारण व्रत नहीं रख पाते हैं क्योंकि खाली पेट हमारा दिमाग नहीं चलता है और हमारी ड्यूटी पर थोड़ा असर पड़ जाता है, इसलिए बबीता जी। सब बहाने हैं, विल पावर ही नहीं है तुम में। और किसने कहा कि व्रत रखने के लिए भूखा रहना जरूरी है? व्रत रखने के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं होता। माँ को अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा दिखाने के और भी तरीके होते हैं। अरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में व्रत नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? कुछ दिनों के लिए जब तक माता रानी के पवित्र दिन चल रहे हों, वो अपनी एक बुरी आदत का परित्याग करते हैं। प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के वो दिन चल रहे हैं वो उस आदत को छोड़ देंगे। तो बताइए ऐसा कौन सा आदत है हमारा जो आपको बुरा लगता है? आपको लगता है कि हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, हम अभी प्रण लेते हैं। प्रण लीजिए कि जब तक माता रानी के दिन चल रहे हों आप किसी पर हाथ नहीं उठाएंगी, भौकाल नहीं दिखाएंगी अपना। क्या हुआ, बोलती बंद? यही है माँ की भक्ति आपके लिए, यही है माँ की श्रद्धा, यही आपका सेल्फ कंट्रोल? क्या माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप? इतना भी प्रण नहीं ले सकती आप? हाँ तो ठीक है, हम प्रण लेते हैं। हम प्रण लेते हैं कि जब तक माता रानी के शुभ दिन चल रहे हैं हम किसी पे हाथ नहीं उठाएंगे। और अगर प्रण टूटा तो? माता रानी के नाम पे प्रण लिए हैं, प्राण जाए तो जाए लेकिन प्रण नहीं टूटने देंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.